साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। साथियों ये ग्रामीण बोथिया से आए हैं। ग्राम बोथिया से प्रति खातेदारी भूमि खसरा नंबर 501/84 रकबा 43.05 बीघा में से रकबा 2 बीघा भूमि में बाड़मेर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, उस वक्त भूमि का मुआवजा नहीं मिला इनको, तो मुआवजे की मांग को लेकर ये केहराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बोथिया जागीर बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। तो इनसे पूरी बात करेंगे, कितना मुआवजा है इनका, कब इनकी जमीन गई थी, कितने समय से ये परेशान हो रही है, चक्कर निकाल रहे हैं अधिकारियों के, इनको सही ढंग से जवाब नहीं मिल रहा है। तो एक बार ये तस्वीरें आपको मैं दिखा लेता हूँ, उसके बाद अपन जेठाराम जी से बात करें, केहराराम जी से बात करेंगे, क्या कहते हैं साहब, की मामला है सारे जमीन गई है रोड में, मतलब रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग, जमीन गई है, राजमुआवजा नहीं दिया है, जबरदस्ती वो कर ले पटवारी, दो तीन पटवारी आया वो दुम्बा लगाने के लिए कि दुम्बा कर एक सर्व करो काम, मना किया काम नहीं कर दूंगा, हमारी पैया मिलिया कौन जमीन का ऋण वास्ते, कितना भैया सारा मोहरत भैया सब इमदार जमीन जमीन कितनी गई है, जमीन दो सरकारी बीघा की, दो सरकारी सी बीघा, हाँ दो समय अधिकारी थाना की कह रहा है, कह कर दो आज कल नहीं होकर, बस कितना समय हुआ है, समय हो गया पांच छप्पर हो गया, छप्पर हुआ रहा, छप्पर हो गया सर, मगर जब से सर्वे कार, क्या नाम है आपका, मेरा नाम विजय है, हाँ ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, इन्हीं का ही है ये पूरा मामला। तो क्या है कि जब से निर्माण कार्य इन्होंने जब से ये इन्होंने प्रस्तावित किया था उस टाइम से लेकर 5 साल हो गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, ना इनको मुआवजा मिला है, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि उस रूम में जाओ, उस रूम में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, चक्कर खा के ये हो गए परेशान। कल क्या हुआ, कल ये पटवारी साहब, एएन साहब, एक्शन साहब वहाँ आए मौजूद, तो उन्होंने देखा तो इन्होंने मांग करी भाई कि हम हमारी जमीन के अंदर नहीं घुसने देंगे, हाँ। जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। तो आज हम फिर से आए हैं, कल उन्होंने काम तो हमने रुकवा दिया, और रुकवाने के बाद में हम यहाँ आए हैं, और आज कलेक्टर साहब से पेश होकर और साहब से मुआवजे की मांग की, पूरी पीडब्ल्यूडी मांग करेंगे। साथियों पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इनको बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे है, जबरन पत्थर लगा रहे हैं अंदर, काम शुरू कर रहे हैं तो इन्होंने काम रुकवा दिया है। अब कलेक्टर साहब के पास साथियों देख लो, 5 वर्ष हुए ये मुआवजे के लिए इधर से इधर, इधर से इधर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो साथियों एक बार शेयर करो इस खबर को, ताकि अधिकारियों तक ये पोस्ट पहुंचे, इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले और इनकी इनका काम पूरा हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक इनको भाई सड़क कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, चलो।